हेलो दोस्तों, अच्छी खासी सर्दियां शुरू हो गई हैं और सर्दियों में ही मक्की की रोटी या डोडा खाया जाता है और सर्दियों में ही हरी लहसुन मिलती है। इसलिए आज की मेरी रेसिपी है हरी लहसुन वाला मक्की का डोडा। यकीन मानिए, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आप एक बार खाएंगे तो बार बार आपका खाने का मन करेगा और आप अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आइए तो शुरू करते हैं हरी लहसुन का मक्की का डोडा बनाना। सबसे पहले मिक्सर जार में एक कटोरी हरी लहसुन ऐसी कटी हुई डालें जिसको मैंने अच्छी तरह धोकर रखा था। बाजार में दो तरह की लहसुन मिलती है, एक कली वाली और एक ऐसे मुंह वाली। ऐसे मुंह वाली हरी लहसुन की टेस्ट ज्यादा अच्छी होती है, इसलिए आप यही यूज करें। हरी लहसुन सर्दियों में ही मिलती है। नेक्स्ट, इसके साथ एक कटोरी हरा धनिया, तीन हरी मिर्च और थोड़ा पानी डालकर इसे दरदरा पीस लें। इसकी चटनी बिल्कुल न बनाएं, हल्का सा मिक्सर चलाकर छोड़ दें। ऐसा 3-4 बार करें और ऐसा दरदरा पीस लें। इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। अब एक थाल में 1.5 कटोरी मक्की का आटा, आधा छोटा चम्मच अजवाइन, नमक स्वाद अनुसार और 1 छोटा चम्मच घी डालें और अच्छे से मिक्स कर लें। नेक्स्ट, दरदरी पीसी हुई हरी लहसुन को थोड़ा थोड़ा करके मक्के के आटे में डालें और एक नरम आटा तैयार कर लें। अब इस आटे को ढककर 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख दें। 10 मिनट हो गए हैं, अब एक बार फिर आटे को मसल लें। आगे तैयार किए हुए आटे में से थोड़ा ले लें और ऐसी लोई बना लें। अब एक बोर्ड पर मक्की का सूखा आटा ऐसे चारों तरफ छिड़क दें। अब इसके ऊपर तैयार की हुई लोई रख दें। नेक्स्ट, अपनी उंगलियों से ऐसे थपथपाते हुए गोल मक्की की रोटी ऐसे तैयार कर लें। अब बोर्ड को ऐसे पलटकर रोटी को अपने हाथ में ऐसे ले लें और गरम तवे पर ऐसे रख दें। अब मीडियम गैस पर इसे 1 से 2 मिनट तक नीचे से पकने दें। जब रोटी तवे को छोड़ने लगे तब साइड चेंज कर लें और दूसरी तरफ से भी गोल्डन ब्राउन चित्ती आने तक पकने दें। देखिए, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब इसे नीचे से 1 मिनट और पकने दें। मक्की का डोडा बनकर तैयार है, अब इसे प्लेट में निकाल दें। अब 1 छोटा चम्मच घी ऊपर से ऐसे लगा लें। अब अपनी उंगलियों से ऐसे 4-5 चिमटियां मार दें। ऐसे ही सारे डोडे तैयार कर लें। सारे डोडे तैयार हैं। गर्मा गर्म चटपटा स्पाइसी हरी लहसुन का मक्की का डोडा सर्व करने के लिए तैयार है।